दशहरा के अवसर पर झारखंड पिछड़ी मोर्चा ने 3 गांवों में नारी शक्ति को किया सम्मानित। चक्रधरपुर प्रखंड के चेला बेड़ा, जंताल बेड़ा और पंचुआ में किया गया सम्मानित। मोर्चा के संयोजक सह अधिवक्ता अधिकांत सारंगी ने कहा कि सम्मानित करने और जनसेवा का कार्य जारी रहेगा। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज चक्रधरपुर। झारखंड पिछड़ी मोर्चा आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार गांव-गांव में जाकर जनता से संपर्क साध रहा है। वहीं नारी शक्ति को मजबूत करने के लिए उन्हें सम्मानित करते हुए जागरूक करने की कोशिश कर रहा है। मंगलवार को चक्रधरपुर प्रखंड के चेला बेड़ा, जंताल बेड़ा और पंचुआ गांव में नारी शक्ति को सम्मानित किया गया। इस दौरान महिलाओं को सम्मान स्वरूप वस्त्र के रूप में साड़ी भेंट की गई। नारी शक्ति सम्मान समारोह में झारखंड पिछड़ी मोर्चा के संरक्षक सह युवा अधिवक्ता अधिकांत सारंगी, केंद्रीय अध्यक्ष जय जगन्नाथ प्रधान, विधानसभा चुनाव के घोषित प्रत्याशी दमयंती नाग समेत काफ़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। मौके पर श्री सारंगी ने कहा कि आज भी हमारे विधानसभा क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है। अभी गांव तक पहुंचने के लिए अच्छी सड़क नहीं है, पीने योग्य शुद्ध पानी नहीं है। ये तभी बदलेगा जब हम जागरूक होंगे। क्षेत्र के विकास में महिलाओं का हिस्सेदारी भी होना जरूरी है, इसलिए पिछड़ी मोर्चा नारी शक्ति को सम्मान देते हुए एक महिला प्रत्याशी को सहयोग करने की अपील कर रहा है ताकि दमयंती नाग की जीत हो और वह यहाँ की समस्या को विधानसभा में रखें। वहीं केंद्रीय अध्यक्ष श्री प्रधान ने कहा कि झारखंड पिछड़ी मोर्चा एक महिला को विधानसभा तक पहुँचने के लिए प्रत्याशी के रूप में स्थान दिए हैं। उन्होंने कहा कि सेवा भावना से नारी शक्ति को जागृत करने का काम कर रहे हैं। वहीं दमयंती नाग ने कहा कि हर नारी को सम्मान देना चाहती हूं और उन्हें जागरूक करना है। जब नारी जागरूक हो जाएगी वह भली भांति अपनी अच्छाई और बुराई को समझेगी, फिर अपनी समस्याओं का समाधान कर लेगी। मौके पर मंगला कुजूर, विश्वनाथ तिर्की, लखिंद्र नायक, देवी प्रसाद नायक, शिवा मिंज, रानी नायक, जयंती गागराई समेत काफ़ी संख्या में महिलाएँ मौजूद थीं। अब आइए देखते हैं किसने क्या कहा। मैं हर नारी को सम्मान देना चाहती हूँ और सम्मान के साथ साथ जागरूक करना चाहती हूँ। सब जागरूक हो जाएगा तो हमको और कुछ करना नहीं है। नारी अपने जाग जाएगी तो हम लोग अपने पैर पर खड़े होंगे और हर समस्या का समाधान नारी ही हम लोग कर लेंगे। हम लोगों को किसी आपस में बात करके इसका समस्या समाधान निकाल लेंगे, बस इतने। उसके बाद हम लोग जंताल बढ़ाए, वहाँ पर भी हम लोग नारियों को सम्मान दें जी। और ये पूजा का भेंट था जी। और हम लोग प्रचार कर रहे हैं अपना। अच्छा। तो कोशिश कर रहे हैं कि इस गांव के सब नारी सम्मान को, नारियों को सम्मान देते हुए उनसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं जी। इस गांव से हम लोग को बढ़त दिलाने के लिए कोशिश करें ताकि उनका आवाज हम लोग विधानसभा में रख सके जी। मैंने इस तरह जो है लगातार कार्यक्रम कई दिनों से चल रहा है और ये जो दुर्गा पूजा के अवसर पर नारियों को सम्मानित करने का कार्यक्रम किया गया, इसके पहले दांती बेगना चाहे इटी हाँसा ऐसे तमाम गांवों में, सहजोड़ा गांव में भी आप लोग का कार्यक्रम हुआ था। जगन्नाथ जी, आज नारी शक्ति का जागरण के लिए हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं, बहुत आनंद लग रहा है जी। झारखंड पिछड़ी मोर्चा की ओर से जो पिछड़ी हुए वर्ग को एकत्रित करके एक सशक्त बनकर आपके एक विधानसभा तक पहुँचाने के लिए महिला प्रत्याशी को हम लोग स्थान दिए हैं जी। और सेवा भावना में नारी शक्ति को जागृत करने का हम लोग चेष्टा में लगे हैं जी। अभी चेला बेड़ा आए, जानताज बेड़ा हुआ, अभी पंचुआ में कार्यक्रम है, ऐसी लगातार हम लोग करते आ रहे हैं और विश्वास है कि नारी शक्ति जागृत हो रही, किसी का प्रलोभन या किसी में नहीं आएगी। अपने सम्मान अधिकार विकास के लिए लड़ाई लड़ रहा है, अवश्य हम लोग को इस बार भारी मतों से जीत दर्ज करा के विधानसभा भेजेगी, उनकी आवाज बन के हम लोग आवाज उठाएंगे।